Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir, and today we will learn rules for changing singular noun into plural noun. आज हम लोग पढ़ेंगे singular से plural बनाने का जो rules है, ठीक है, उसको जानेंगे. लेकिन एक video मैंने upload किया था हाल ही में, वो number of noun part 1 करके, उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि rule 1 to 5 उसमें मैंने explain किया है with example. मैं यहाँ रूल 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखेंगे तो अधूरा रह जाएगा. आज इस वीडियो में मैं रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. अब है पहला फर्स्ट रूल, इसमें देख लीजिए, आज सिक्स्थ रूल, फिफ्थ तक मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में. तो सिक्स्थ है कि नाउन एंड्स विद अ वावेल एंड ओ, कि अगर कोई नाउन अभी ही याद हो जाएगा, और इससे सिंपल तरीका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम जानने का नहीं हो सकता है, रूल जानने का नहीं हो सकता है. इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, जब आप देख रहे होते हैं तो उस समय आप देखना नहीं है, आप सीख रहे होते हैं, ऐसा भाव से आपको देखिए उसको, तो एक बार में आप सीख जाओगे. देखिए यहाँ पे क्या है कि नाउन एंड्स विद अ वावेल एंड ओ, कि अगर कोई नाउन ओ और उससे पहले एक वावेल रहता है, ठीक है, विद अ वावेल और ओ, कि अंत तो ओ से होता है लेकिन उससे जस्ट पहले कोई वावेल रहता है, तो उसको क्या करते हैं, कैसे हम उसको प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एस लगाकर, ठीक है, बाय एडिंग एस ओनली, ठीक है. अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, रेडियो है, आर ए डी आई ओ, रेडियो एंड हो रहा है किससे, ओ से, ठीक है. उससे पहले क्या है, आई है, वो वावेल है, तो उसमें मैंने एस लगा के बनाया, ठीक है. जैसे जू, जेड ओ ओ मिस डबल ओ, तो अब देख लीजिए कि लास्ट ओ से हो रहा है लेकिन उससे पहले भी ओ है और वो क्या है, वावेल है. बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो जू को जूस. फिर स्टूडियो, एस टी यू डी आई ओ, तो देख लीजिए लास्ट में ओ है और उससे जस्ट पहले क्या है, आई है, ठीक है. तो क्या हो गया, स्टूडियोस एट्सेट्रा, ये एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई नाउन ओ से एंड होता है और उससे जस्ट पहले कोई वावेल होता है, तो सिंपली उसमें एस लगा के हम उसको प्लूरल बना सकते हैं. चलिए अगला रूल में आते हैं, नेक्स्ट रूल में आते हैं. नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, ठीक है, कि अगर कोई नाउन के अंत में एफ आता है या फिर एफ ई आता है, तो क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे क्या लगाएंगे, वी ई एस. क्या लगाएंगे, वी ई एस, ठीक है. अब देख लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे वाइफ है, डब्ल्यू डब्ल्यू आई एफ ई, ठीक है. तो यहाँ पे अंत हो रहा है किससे, एफ ई से हो रहा है. एफ ई को हमने रिमूव कर दिया, एफ ई को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे वी ई एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, वाइफ्स. फिर देखिए नाइफ, नाइफ के साथ भी है, एफ ई एंड और एफ ई से एंड हो रहा है, तो एफ ई को मैंने रिमूव किया, वी ई एस ऐड कर दिया, तो नाइफ्स हो गए. उसके बाद है यहाँ पे काफ, सी ए एल एफ, काफ मतलब जानते हो ना, बछड़ा को कहते हैं, गाय के बच्चे को, तो काफ, काफ में क्या करते हैं, एफ को रिमूव करते हैं और उसके साथ वी ई एस लगा देते हैं. फिर लाइफ, एल आई एफ ई, उसमें भी एफ ई है, एफ ई को रिमूव किया, वी ई एस जोड़ा, लाइफ्स हो गए. फिर है हाफ, एच ई एल एफ, ठीक है. तो अंत में एफ आता है, एफ को हटाया और उसमें वी एस जोड़ा, तो क्लियर हो गया कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो एफ या एफ ई को रिमूव करेंगे और उसके जगह पे क्या ऐड करेंगे, वी ई एस, और उससे हम प्लूरल बनाएंगे. तो रूल नंबर 7 समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8, नाउन एंड्स विथ डबल वावेल्स एंड एफ, ठीक है. अगर कोई नाउन एफ से एंड हो रहा हो और उससे जस्ट पहले डबल वावेल हो, मतलब दो वावेल, ठीक है, कोई भी दो वावेल, फाइव वावेल्स होते हैं ना, उसमें से कोई दो रहे, लेकिन एंड उससे किससे हो रहा है, एफ से, तो वैसे केस में हम कैसे उसको प्लूरल में बदलेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे उसमें भी, ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है कि प्रूफ है,
ठीक है, पी आर ओ ओ एफ या पी आर डबल ओ एफ, तो एफ से एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले डबल वावल आया ना, तो ऐसे केस में हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं, तो प्रूफ का प्रूफ सो हो जाएगा। फिर रिलीफ ले लीजिए, आर ई एल आई ई एफ, तो एफ से एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या है, आई और ई दो वावेल है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे और प्लूरल बन जाएगा। फिर है बिलीफ, बिलीफ के साथ भी वही बात है कि एफ से एंड हो रहा है उससे पहले आई और ई डबल वावेल आ रहे हैं, तो उसमें हम एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, एक्सेप्शंस को हमेशा दिमाग में रखना है, नहीं तो फिर गलतियां होंगी। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होता है एक्सेप्शंस। लीफ है जो एफ से एंड हो रहा है, तो मैं ये इसमें पहला रूल अप्लाई होगा, अभी मैंने जस्ट इससे पहले सेवन्थ रूल जो बताए थे वो इसमें अप्लाई कर दीजिए आप, तो वो एक्सेप्शन है इसके। जैसे यहाँ पे है आपका लीफ एल ई ए एफ, एफ से एंड हो रहा है उससे पहले दो वावल है लेकिन उसको इस रूल के तहत वो नहीं आता है, उसमें वी एफ को रिमूव करके वी ई एस ऐड करते हैं। थीफ है, तो थीफ का भी हम लोगों ने देखा था, तो एफ से एंड हो रहा है उससे पहले ई आई है, डबल वावल है, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन है तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, एफ को हटा के वी ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। क्लियर आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, और प्रैक्टिस जब इस पर होंगे, एक्सरसाइजेज जिसमें होंगे, एक्सरसाइज सीरीज भी चलेगा सारा जो भी बेसिक बता रहा हूँ उस पर, तो उस समय अभी तो कंसेप्ट क्लियर अभी ही हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ या अगर फिर कमज़ोर रह गया तो स्ट्रेंथन्ड हो जाएगा, कब, जब हम लोग इसके प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय चेंजिंग वावल्स विद इन अ नाउन, अब नेक्स्ट रूल है कि नाउन के अंदर जो वावल्स होता है उसी को बदल के हम कभी कभी प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फुट है, एफ डबल ओ टी, ठीक है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, फिट, एफ ई ई टी, तो ओ ओ को हमने क्या कर दिया, ई ई कर दिया, यहाँ पे डबल ओ को डबल ई कर दिया, तो फुट से फिट हो गए। मैन, एम ए एन, तो उसको फिर मैन बन, तो मैन एम ए एन है, फिर उसको प्लूरल बनाते हैं तो एम ई एन मैन। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से ये जिसमें हम नाउन के अंदर ही वावेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, लाओ, जैसे लाउस है, एल ओ यू सी, लाउस मतलब जानते क्या होता है, मैं बेसिक लर्नर के लिए खासकर और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि आप वर्ड के मीनिंग भी साथ साथ आप जानते चाहिए, क्योंकि आगे स्पोकन सीखना है, रिटन इंग्लिश पे कमांड लाना है, ठीक है, एक कंप्लीट कमांड लाना है इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो ये ज़रूरी है कि हर चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलें। लाउस मतलब होता है कि जू, जो माथा में हुआ करता है, ठीक है, तो उसका जब प्लूरल बनाना होगा तो वो क्या होता है, लाइस। ठीक है, तो ये रूल नंबर समझ गए होंगे 9 का। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन, कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है और उसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन समझते हो ना, जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड हो सकते हैं एक साथ, तो वैसे नाउन को अगर प्लूरल बनाना होता है तो क्या करते हैं कि उसके जो मेन वर्ड होते हैं ना उसका, ठीक है, जो मुख्य भाग होता है उसका, मेन पार्ट या मेन वर्ड कह लीजिए, उसमें एस जोड़ के हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो बॉयफ्रेंड है तो अब उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, बॉयफ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे मेन वर्ड है, उसमें एस ऐड कर दिया। सन इन ला, ठीक है, सन इन ला, वहाँ क्या करेंगे, सन मेन वर्ड है तो सन से इन लॉ हो जाएगा, सन में एस जोड़ देंगे वो प्लूरल हो जाएगा। ये बात समझ में आई, अब हम लोग चलते हैं, इसको आप, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट रूल जो बताऊँ आपको आसानी से समझ में आए।